के लिए जो अपने अंदर छुपे हुए हुनर को नहीं पहचान पाते और सामाजिक के लोगों के द्वारा उकसाए जाते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते और तुम वैसे ही बन जाते हो कि वाकई में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके अंदर हुनर है तो उस हुनर को बाहर निकालिए और दिखा दीजिए कि हमारे अंदर जो हुनर है, जो ताकत है, वो और किसी में नहीं। मैं शशिकांत आपके अपने YouTube चैनल सफल भारत पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये कहानी है एक बाज की। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी के चूजे करते, मिट्टी में खेलना, इधर उधर दाना चुगना और दिन भर उन्हीं की तरह चूचू करना। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाता और नीचे गिर जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आसमान में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तब बाज ने चूजों से कहा, वो तो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल होता है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और वैसा ही बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहाँ हों, जिस परिवेश में हों, क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करिए और आकाश में ऊंचाइयों पर उड़